थैंक यू, शुक्रिया। कितना वजन है ना इस शब्द के अंदर। वैसे भी हम जिंदगी में किसी किसी लोगों के बहुत शुक्रगुजार होते हैं, इसीलिए आज का दिन उन सभी को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने लाइफ में हमें बहुत कुछ दिया। वैसे थैंक यू कई टाइप के होते हैं। थैंक यू सिर्फ एक टाइप का नहीं होता कि किसी ने हमारे लिए अच्छा किया तो हमने उसको थैंक यू कह दिया, हम उसके लिए ग्रेटफुल रहे। शुक्रिया कहना, थैंक यू कहना कभी कभी खुद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो आज मैं बात करूंगी ऐसे ऐसे थैंक यू के बारे में जिनकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं उसके लिए उनको थैंक यू। मेरा नाम जिया है और आप मेरे साथ हैं ख्यालों वाली खिड़की में। सो शुक्रिया शब्द में इतनी ताकत है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं थैंक यू, पर आज थैंक यू उनको भी जिन्होंने हमें दुखी किया और इस दुख की वजह से हम स्ट्रांग हुए। आज थैंक यू उनको भी जिन्होंने हमें चाहा और हम बड़े दिल वाले बन गए। आज का थैंक यू उनको भी जो हमारी केयर करते हैं और उनकी वजह से हम इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह फील करते हैं कि हाउ वी आर इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ। आज थैंक यू उनको भी जो हमारी चिंता करते हैं और हमें एहसास कराते हैं कि उनको हमारी कितनी फिक्र है। और थैंक यू उनको भी जो बीच सफर में हमें छोड़ के चले गए, जिसने हमें धोखा दिया, जिसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन सभी को भी थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये रियलाइज हुआ कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज नॉट फॉरएवर। ये रियलाइज कराया हमें, उनको भी थैंक यू। और ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में जो हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमें समझाया कि देखो सच्चा दोस्त कौन होता है, उनको भी थैंक यू जो ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ खड़े हैं। उन सभी को थैंक यू जो हमारी लाइफ में आए, जिन्होंने कुछ ना कुछ हमें सिखाया, हमारी मदद की, जो आज सिचुएशन में हम तैयार हुए, जिंदगी के तूफान से हम लड़े, हर युद्ध के लिए हम खड़े हैं अब, उन सभी को थैंक यू। यू नो दोस्त, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी आता है, जिस सिचुएशन से हम डील करते हैं ना, उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर होता है, और इन सभी को आज थैंक यू करने का दिन है। यस, किसी की बुरी याद को मन में रख के कुड़कुड़ करने से अच्छा है उन्हें ग्रेटफुल फील कराए, उन्हें थैंक यू करके उनको ब्लेस कर दें और आगे मूव ऑन कर दें, क्योंकि उसमें फायदा हमारा है। हम जितने मन से क्लियर रहेंगे उतनी शांति यहाँ मिलेगी। इसलिए लोगों को माफ करना, लोगों को ग्रेटफुल फील कराना और ब्लेस कर दो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू तुम्हें करनी है, तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि गिराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। सो उनको ब्लेस करो, उनको थैंक यू कर दो और आगे बढ़ो। आज की ख्याल वाली खिड़की का टॉपिक कैसा लगा जरूर बताएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।